विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन समेत चार दवाओं को कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज में बहुत कम प्रभावी बताया है। WHO ने कोविड 19 के इलाज में चार खास दवाएं कितनी कारगर हैं इसे लेके विस्तृत परीक्षण किया था। रेमडेसिविर वो पहली दवा थी जिसे कोरोना वायरस के इलाज के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। ये दवा हाल में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलाज में भी इस्तेमाल हुई थी। रेमडेसिविर की निर्माता कंपनी गिलियड ने WHO के अध्ययन में आए परिणामों को खारिज किया है। गिलियड ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अध्ययन के निष्कर्ष दूसरे अध्ययनों से मेल नहीं खाते और इन परिणामों की समीक्षा किया जाना बाकी है। WHO ने सॉलिडारिटी ट्रायल के दौरान कुल चार दवाओं का परीक्षण किया जिनमें रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ऑटो इम्यून ड्रग इंटरफेरॉन और HIV की दवाइयों का संयोजन लोपिनावीर और रिटोनावीर शामिल हैं। ब्रिटेन में कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रहे कम कीमत वाले स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन को इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है। 30 अलग अलग देशों के 500 अस्पतालों में 11,266 वयस्क मरीजों पर इन चार दवाओं का परीक्षण किया गया था। WHO के नतीजों में पाया गया कि ये दवाएं मरीजों की जान बचाने और संक्रमण के दिनों को कम करने में भी कारगर साबित नहीं हुई हैं। हालांकि इन नतीजों की अभी समीक्षा किया जाना बाकी है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने बुधवार को कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और लोपिनावीर और रिटोनावीर दवाओं का परीक्षण जून में ही रोक दिया गया था क्योंकि वो पहले ही अप्रभावी साबित हो गई थी। हालांकि अन्य दवाओं पर परीक्षण जारी रखे गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नतीजे पिछले महीने गिलियड के अध्ययन में आए नतीजों से बिल्कुल अलग हैं। गिलियड ने कहा था कि प्लेसेबो दिए जाने वाले मरीजों की तुलना में रेमडेसिविर से कोरोना वायरस से ठीक होने का समय 5 दिन कम हो जाता है। गिलियड के परीक्षण में 1,000 मरीज शामिल थे। गिलियड साइंसेज ने WHO के नतीजों को खारिज करते हुए कहा है कि ये डेटा असंगत लग रहा है। रेमडेसिविर के फायदे कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके आकस्मिक और नियंत्रित अध्ययनों से मिले ज्यादा ठोस प्रमाणों से प्रमाणित होते हैं। हमें चिंता है कि ये ओपन लेबल वाला वैश्विक परीक्षण प्राप्त डेटा कठोर समीक्षा से नहीं गुजरा है जो कि इस तरह की उपयोगी वैज्ञानिक चर्चा के लिए जरूरी है। अमरीका में 1 मई से आपातकालीन स्थिति में रेमडेसिविर के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इसके बाद कई और देशों में भी इसके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई थी। वहीं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए डॉक्टर के निर्देश पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये कितनी कारगर है इसका भी अब तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इन नतीजों को देखते हुए डॉक्टर स्वामीनाथन कहती हैं, हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और कुछ नई एंटीवायरल दवाओं पर विचार कर रहे हैं जो पिछले कुछ महीनों में विकसित की गई हैं।